Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. I am playing Bajirao, Peshwa Bajirao, Bajirao Balaji Ballar, जो कि काशीबाई के हस्बैंड है और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर है. बहुत डिफ़िकल्ट है उनका कैरेक्टर करना और मैं खुद बहुत प्राउड फील करता हूँ वो कैरेक्टर प्ले करके. मैं काशीबाई का रोल प्ले कर रही हूँ और काशीबाई नटखट थी, इनोसेंट थी और सच्ची भी थी और बहुत अच्छे थे वो. और मुझे काशीबाई का रोल बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे काशीबाई का रोल प्ले करने के लिए मिला. ये किरदार का नाम है बालाजी विश्वनाथ भट्ट. कई लोग इसको बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बल्लाड़ भी बोलते हैं. ये पहले पेशवा बने, ये बाजीराव जो हमारे शो के हीरो हैं उनके पिता हैं. और ये बहुत ही ज़्यादा जिसे कहेंगे छोटी फैमिली से आए, बहुत ज़्यादा अच्छे हालात बचपन में नहीं थे, लेकिन बहुत मेहनत करके और बहुत युक्ति लगा के और किस्मत का भी सहारा और बहुत बहादुर थे. तो पढ़ाई लिखाई इन्होंने खुद से सीखी, अकाउंटिंग का काम देखा और उसके बाद में कैसे इन्होंने अपनी सेना खुद तैयार की, कैसे परिस्थितियों ने इनका साथ दिया और कैसे परिस्थितियों की वजह से इनको अपने बेटे बाजीराव की शादी अपने बचपन के दोस्त महाजी कृष्ण जोशी के साथ करनी पड़ती है, उनकी बेटी के साथ, काशीबाई के साथ करनी पड़ती है. और कैसे काशीबाई जब इनके घर में आती है तो कैसे वो अपने साथ सौभाग्य लेकर आती है. तो सीरियल का है ना सौभाग्य का टीका, तो काशीबाई हमारे लिए सौभाग्य का टीका बन जाती है. उसके आते ही ये पेशवा बन जाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी बाजीराव कभी कोई लड़ाई नहीं हारा क्योंकि वो अपनी पत्नी को का मुख देखकर लड़ाई करने के लिए जाता था. ये बहुत एक कमाल की चीज़ें हैं इस शो में. ये शो के साथ बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी, बहुत कुछ. ये शो में हम लोगों ने कैमरा शॉट्स पे बहुत ध्यान दिया है और मैंने फाइट सीक्वेंस सीखा, मैंने वेपन्स चलाना सीखा, बहुत सारे नए वेपन्स, तलवार जो मैंने कभी उठाई नहीं थी, मैंने तलवारबाजी सीखी, मैंने भाला सीखा, हर एक वेपन सीखा, हॉर्स राइडिंग, इवन हॉर्स राइडिंग सीखी. और बहुत मज़ा आता है अभी हम जब वो सीख जाते हैं और वो सब कुछ हम परफॉर्म करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. मैंने सबसे पहले तो संस्कृत और मराठी सीखी थोड़ी थोड़ी मतलब उनके वर्ड्स आते हैं बट. और मैंने हॉर्स राइडिंग भी सीखी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. मैंने हॉर्स राइडिंग कभी नहीं की थी तो मैंने फर्स्ट टाइम हॉर्स राइडिंग की थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा हॉर्स राइडिंग करके. मैं पहले 8-9 साल सिर्फ और सिर्फ सोशल नाटक करता रहा. टीवी पे एक फिल्म आई थी डिशुम, मैं उसमें आबू धाबी का पुलिस वाला भी बना था, लेकिन वरुण और जॉन में आप खो गए होगे तो मुझे नहीं देख पाए होगे. और जहाँ तक बात रही ये वाले शोज़ की, तो हम जब किसी से बड़े प्रभावित होते हैं ना तो वी से ही लुक्स लाइक अ गॉड, ओ शी इज़ अ गॉडेस, हम तारीफ करते हैं. तो मुझे नहीं पता था कि ये भगवान दिखना कब से बुरी बात हो गई है भाई. अगर मैं, आप सोचिए, एक ही किरदार 9 बार कर चुका हूँ शिव जी का और आज भी लोग जब नया शो बना रहे हैं, जितने शो बन रहे हैं ना सर, सबसे पहले मुझे ही फ़ोन आता है
वो मैं नहीं कर पाता हूँ तो किसी दूसरे के पास में, फॉर वॉट एवर रीजन्स। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं इसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सम्मान मानता हूँ, इसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ। क्योंकि जब मैं मोहित रैना के साथ में देवों के देव महादेव कर रहा था तो मैं वहाँ रावण था, और मोहित को देख के मैं सोचता था यार इसको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। तो भगवान ने मेरी सुन ली, उसे कहा इतना करवाऊंगा, इतना करवाऊंगा कि तू ही करेगा शिव जी का रोल, और कोई करेगा ही नहीं। सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी, और मुझे और कोई रोल करने में इंटरेस्ट भी नहीं है, बिकॉज भगवान दिखना हर किसी के बस का नहीं है। रियलिटी शो और ये सीरियल करने में फ़र्क होता है, उसमें हम लोग सिर्फ डांस करते हैं, इसमें डांसिंग के साथ फाइटिंग सीक्वेंस भी आती है, कभी कभी परफॉर्म भी करना पड़ता है, तो इट्स ओवरऑल एक्टिंग में ही डांसिंग आता है कभी कभी, तो और बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने मिलती है। वहाँ पे तो यू ओनली डांस यू परफॉर्म, यहाँ पे आपको रोज़ परफॉर्मेंस देना पड़ता है, वहाँ आप वीकली एक बार परफॉर्म करते हो। मैं बड़ा खुश हुआ था, मैं आई वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये रोल मेरे लिए, सी मैं हिस्टोरिकल्स करने में वैसे भी बड़ा बिलीव करता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी वैसी है, हर एक्टर ना तो वो जबान की इतनी रख सकता है, ना उसके पास एक्शन करने की इतनी कला होती है। तो मैंने अपने आप को तैयार इस तरीके से किया है कि बाहुबली अगर अगली बने तो मैं बनूँ बाहुबली। तो अभी वो लेने वाले राजा मौली के ऊपर डिपेंड करता है, बट तब तक मैं बाजीराव के पिता के रोल में भी खुश हूँ, तो मैं पूरी तरह से तैयार रहता हूँ। तो अब जब आदमी ने लाइफ में बड़ी मेहनत की हो किसी तरह की, एक खास उसमें जॉनर में या एक खास फील्ड में, और आपको उस तरह के रोल्स मिलते हैं, तो आपका तो दिल खुश हो जाता है। मैं पहले थोड़ी नर्वस थी कि मैं थोड़ी नर्वस थी क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम कैमरा शो था, तो बट धीरे धीरे मीन्स मैं थोड़े दिन हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मीन्स सब फैमिली जैसे लगने लगा, सबके साथ बहुत अच्छे से बॉन्ड बनने लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हम दोनों का, हम दोनों बहुत मतलब हम दोनों कभी कभी फाइट्स भी करते हैं और मस्ती तो रोज ही करते हैं एक्चुअली, और वो फाइट्स होने के बाद फिर ये गुस्सा हो जाती है, इसको मनाना पड़ता है, फिर ये तुरंत मान भी जाती है, फिर से हम लोग साथ में खेलने लग जाते हैं। दिस इज़ हाउ इट गोइंग। हाँ, ये भी बार बार नाराज हो जाता है। अच्छा। हाँ। अच्छा। फिर मस्ती करते हैं कि नहीं मैं तो मस्ती कर रहा था, तो मस्ती में नाराज। हाँ। पर और मैं भी मान जाती हूँ। मैं उनसे कहूंगा कि मैं आप लोगों से 10 गुना ज्यादा प्यार करता हूँ, आप लोग मुझे कम प्यार करते हो, थोड़ा और प्यार दो, मेरे को प्यार की जरूरत है तुम्हारे, ठीक है, और इस शो को उससे भी ज्यादा प्यार दो क्योंकि इसको भी बहुत जरूरत है, हम सब ने बहुत मेहनत की है। आप लोग सोचिए हमारे सेट पे कुछ 7 बच्चे हैं छोटे छोटे, और छोटे बच्चे 6-7 साल के 8 साल के इस एज ग्रुप के हैं, उनके साथ काम करना कितना मुश्किल होता होगा। हम लोग उनके साथ में काम भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, काफ़ी सारे न्यू कमर हैं, कई तो बहुत मंझे हुए कलाकार भी हैं, तो उनके साथ तो बहुत आसान रहता है, लेकिन बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं, मेहनत है, फिजिकली बड़ा टैक्सिंग है यहाँ शूट करना, तो इस एटमोसफियर में शूट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे देखिए, अपने इतिहास के बारे में जानिए, ऑथेंटिक है, कुछ फट्टे नहीं मार रहे हम लोग, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो मुझे और ज़्यादा प्यार करो कम वक्त। द ओनली मैसेज कि डू वॉच काशीबाई बाजीराव बल्लाल द अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें बाजीराव के साथ साथ आप काशीबाई की पूरी स्टोरी जानोगे, जहाँ काशीबाई ने क्या स्ट्रगल किया, कैसे पूरा एम्पायर उन्होंने चलाया जब बाजीराव युद्ध पे जाते थे। सो डू वॉच काशीबाई बाजीराव बल्लाल ऑन जी टी वी मंडे टू फ्राइडे एट 8 AM ओनली ऑन जी टी वी पर।